नमस्कार साथियों, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बैल दी हुई है उसे बैल को भी बजा लें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर पड़ता है वो आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल में विभिन्न प्रकार के वो सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, मोटिवेटर, स्पीकर, बिजनेस कोच। आज का ये मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अक्सर कर अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और उनके सामने कई ढेर सारी समस्याएं बनी रहती हैं कि उनका बच्चा आखिरकार अपने ब्रेन का प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है और वो अपने टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पा रहा है, या वो वास्तव में बच्चा जो चाहता है वो आप दे नहीं पा रहे हैं, या वो बच्चे का जो माइंड किस तरीके से वर्क करना चाहता है उस तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हो सकता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स भी उसे नहीं समझ पाते हैं, या वो जो सोचता है वो आप नहीं दे पाते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहूँगा जो कई बार किसी भी कार्य को करते करते थक जाते हैं या जिनके अंदर इरिटेशन आ जाता है, वो कार्य नहीं हो पाता है। तो मैं आज उन बच्चों को और सब पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना इस वीडियो में करूँगा कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन का यूज़ करें। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हमारे शरीर में टू टाइप्स ऑफ ब्रेन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ माइंड होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। बच्चों, जो कॉन्शियस माइंड होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स और मोस्टली लोग जो है वो कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे भी ये कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कॉन्शियस माइंड तो ये जागरूक है, अब सब कॉन्शियस जो है वो सोया हुआ है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये अपनी अपनी सोच होती है। आपने अक्सर कर देखा होगा जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग, जैसे कि कई एग्जाम्पल हैं साइंटिस्ट के, यहाँ पर मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बताना चाहूँगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, ये ऐसे साइंटिस्ट थे, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया करते थे। अब आप ये सोचेंगे कि सर कैसी बात करें, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। होता क्या है कि जैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से सिर्फ वही चीज़ें देख पाते हैं जो हमें सामने दिखती हैं, जिस प्रकार से हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ बाहर की चीज़ों को देख पाता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इंटरनली चीज़ों को देख पाता है। हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो हमें जो सामने दिख रहा है हम उसी को पर्याप्त मानते हैं। जैसे एक कहावत कही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो जिस बच्चे को जो वन टाइम में आंसर दे देता है, जो क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठता है पढ़ने के लिए और जो हर सब्जेक्ट का वन टाइम में आंसर, वो हर क्वेश्चन का वन टाइम में आंसर दे देता है, अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स भी उसी बच्चे को अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा एडिसन की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। एडिसन एक सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था। जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो उन्होंने, उनकी टीचर ने उन्हें क्लास से बाहर इस बात से कर दिया था क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब तुरंत नहीं देते थे। अब अक्सर कर मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के सामने भी ये समस्या रहती होंगी, टीचर्स के सामने भी ये समस्या रहती होंगी। अक्सर कर क्या करते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्लास से नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो कॉन्शियस माइंड स्टूडेंट होता है वो तुरंत तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देगा, लेकिन कभी बाय चांस अगर उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो वो फंस जाएगा और फिर वो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट होती है कि किसी भी क्वेश्चन को वन टाइम में सॉल्व करना है। आफ्टर ऑल अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस पर कोई भी बाद में विचार नहीं करना, कोई सोचना नहीं है। जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड पर्सन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं
किसी भी क्वेश्चन को डीपली सोचते हैं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और डिक्लेयर करना चाहता हूं, जैसे जो सबकॉन्शियस माइंड स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड जिसके अंदर होता है उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, और जिसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। जो सबकॉन्शियस माइंड पर्सन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो साइंटिस्ट बेस्ड होते हैं, और जो कॉन्शियस माइंड पर्सन होते हैं वो तुरंत किसी भी क्वेश्चन का हल निकालना जानते हैं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और डिक्लेयर करूंगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप सारे दिन किसी भी कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हो, और किसी भी कार्य को आप जब करना चाहते हो तो करते करते आपके मन में थकान सी पैदा हो जाती है और वो वर्क जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, यहां पर बहुत ही समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें। आप अक्सर कर सारे दिन आप लगे रहते हो, किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, तो शाम को आकर के आप क्या करें, जब बिस्तर पे जाएं तो बिस्तर पे जाते वक्त उस जो प्रॉब्लम आपके सारे दिन रही है उस प्रॉब्लम को दोबारा अपने पास लेके आए, और जब उस प्रॉब्लम को अपने पास लेकर के आएंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करें। देखिए क्या होता है, अब आपको ये हंसी लग रही होगी कि अपने से बातचीत करना, रियली हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड उससे बातचीत करता है। जैसे हम जब थके हारे होते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से आकर के डिस्कशन करते हैं, तो जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लेते हैं वो उससे डिस्कशन करते हैं, और जब शाम को आकर के जब आप सोने चलते हो उस समय अपने आप सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए, उससे कहिए भाई जरा जाग और जरा ये समस्या आई इसका सॉल्यूशन कर, कुछ क्या होगा। देखिए तब जाकर के वो सबकॉन्शियस माइंड जागेगा, क्योंकि वो मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है। हमारी बॉडी का जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया जाता है, जब कॉन्शियस माइंड उससे कहता है कि भाई जरा जागो यार, मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूं, ये प्रॉब्लम आई है, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, तब उस समय सबकॉन्शियस माइंड जागता है और सबकॉन्शियस माइंड सोते सोते उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है, एडिसन भी अपने आप में इसमें बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, और आइंस्टीन भी अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये जो भी क्वेश्चन में फंसते थे वो सबकॉन्शियस माइंड से पूछते थे, तब वो सुबह जा करके उसका आंसर ढूंढते निकाल देते थे, और निश्चित रूप से इस प्रकार से आंसर निकल के आता है, जैसे आपने रियली ऐसा लगता है कि जैसे आपने उस आंसर को शाम को डाला था अपनी बॉडी में, वो सॉरी क्वेश्चन को शाम को डाला था और सुबह उसका आंसर निकल करके अपने आप आ गया है। और सेकेंड थिंग, जैसे कि ये सबकॉन्शियस माइंड आपको उस समय भी मदद करता है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को किसी समस्या की वजह से सुसाइड करने का मन आता है, उसमें भी बहुत मदद करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको अगर सुसाइड करने का मूड आ गया है किसी तरीके से, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है उसे बहुत जल्दी बात बुरी लगती है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और वो बहुत जल्दी हर चीज को माइंड पे ले लेता है। अगर किसी ने आपसे, किसी को ये लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति से मैं ये चीज मांगूंगा तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, और उसने अगर मना कर दिया तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसे तुरंत हेट करने लगता है और उससे उससे बदला लेने की भावना आ जाती है। जो हमारे अंदर एक जो रिवेंज की फीलिंग्स होती हैं, वो रिवेंज की फीलिंग कॉन्शियस माइंड से आती है, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रिवेंज की फीलिंग नहीं लाता है, उसकी हैबिट ये होती है कि सभी को माफ करो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका कॉन्शियस माइंड जब किसी चीज से ज्यादा परेशान हो जाता है, जब काफी इरिटेट हो जाता है, तब आप सुसाइड करने की सोचने लगते हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए, शांति से आकर के बैठे और घर पे बैठ करके एकांत में अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करें, उसे अपना दोस्त बना के रखिएगा और वो हमेशा आपकी मदद करेगा, और सबकॉन्शियस माइंड से आकर के आप बातचीत करें, उसे कहें दोस्त जरा बता यार आज मेरे सामने ये समस्या आई, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो वो कहे शांत रखो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। धैर्य देने का काम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड ऑल टाइम इरिटेट और किसी से झगड़ा कराने के लिए तैयार रहता है। तो उस समय जो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होगा वो आपकी मदद करेगा, वो कहेगा यार धैर्य रखो, उसने गाली ही तो दे दी, उसने मना ही तो कर दिया, तो क्या हो गया, तुम थोड़े कहीं चले गए, अभी तो तुम जिंदा हो, मैं हूं ना, तेरा भाई अभी जीवित है ना, और जब तेरा भाई खत्म हो जाए तब तू सुसाइड करना, अभी तो तेरा भाई जीवित है,
जो सब कॉन्शियस माइंड तेरा सगा भाई है और ऑल टाइम तेरी मदद करता है, वो अभी जीवित है और उससे जब भी तूने पूछा है तेरी मदद ऑल टाइम उसने की है, तो फिर तू डरने की तुझे जरूरत नहीं है। तू जब भी झगड़ा करे तो मेरे से पूछ लेना कि इस झगड़े का परिणाम क्या होगा, मैं बता दूंगा इसका परिणाम क्या होगा। और तू जब भी प्रॉब्लम में आए तो मुझे आकर के पूछना कि बड़े भाई सबकॉन्शियस माइंड जरा मेरे रियल ब्रदर मुझे बताइए कि इसका प्रॉब्लम ये इसे इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उस समय मैं तेरी मैंने हमेशा मदद की है। अगर तूने अपने कॉन्शियस माइंड को ईगो के रूप में ले लिया है तो तेरा सब कॉन्शियस माइंड तेरी कभी मदद नहीं करेगा। तो बच्चों और साथियों, पेरेंट्स, सभी लोग, आपको यह समझ में आया होगा कि जो बच्चे आपके लेजी रहते हैं, जो आलसीपन में रहते हैं, कोई भी बच्चा कभी भी अपने दोनों प्रकार के माइंड से प्रेजेंट नहीं हो सकता है। जिस समय उसका कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होगा उस समय उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो सो रहा होगा, क्योंकि दोनों अगर साथ साथ काम करेंगे तो बॉडी हमारी थक जाएगी, बहुत जल्दी थक जाएगी। और जिस समय सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों वर्क करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में वर्क करते हैं, उस समय कोई भी थर्ड पर्सन आपके साथ नहीं हो सकता है। बिकॉज दैट टाइम आप दो लोग ऑलरेडी होते हो, और जब आप दोनों ऑलरेडी बातचीत आपस में कर रहे होते हो तो थर्ड पर्सन अगर बीच में इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से असफलता सामने आ जाएगी और आप अपने पथ से भटक जाएंगे। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, जब भी आपके बच्चों के अंदर आपको ये दिखता है कि हमारा ये बच्चा बहुत आलसी है, ये किसी भी बात को डीपली नहीं लेता है और आलस इसके अंदर हमेशा रहता है, तो वो आप ये मत समझो कि वो बिल्कुल गधा है, वो बेकार है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो बेवकूफ है, और या फिर उसके अंदर दिमाग नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर्सन हमेशा वो लोग होते हैं जो जो कुछ भी करते हैं वो इतना सॉलिड करते हैं कि कॉन्शियस माइंड वाले कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपके बच्चे अगर सबकॉन्शियस माइंड वाले हैं, आपको लगता है कि आपके किसी बच्चे के अंदर ऐसी हैबिट है, वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है, वो हर बात को बस कल पे डालता रहता है, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी अलग दिमाग से सोच रहा है, वो किसी न किसी और तरीके से सोच रहा है। उसे सिर्फ रास्ते पर लाने की जरूरत है। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे क्लास में चाहे शोर करते रहे, चाहे गाली देते रहे, जो कुछ भी करते रहे, बस वो आते हैं क्लास में अपना पढ़ा करके चले जाते हैं। आपने क्या सीखा, आपने क्या लिया, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता। मैं नहीं कहता कि ऐसे टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, बट सच काइंड ऑफ टीचर्स आर ब्रॉड इन माइंड, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। That's why they cannot get the as profit as they want to do and give. तो हमेशा याद रखिएगा, जो subconscious mind होता है वो हमारा real friend होता है। और इस प्रकार की अगर किसी भी बच्चे के अंदर आदत है, वो हर बात को seriously नहीं लेता है, तो मैं समझता हूँ वो अपने subconscious mind का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। और ऐसे लोग आपने देखे होंगे अक्सर कर बहुत कम बातें करते हैं, इन्हें आप कुछ भी बुरा भला कह दो ये सुन लेते हैं और बस अपने रास्ते पर चले जाते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड यूज करने वाला व्यक्ति ऑल टाइम द ग्रेट पर्सन होता है, आइंस्टीन माइंड पर्सन होता है, एडिसन माइंड पर्सन होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को आइंस्टीन और एडिसन जैसा बनाना चाहते हो तो पढ़े अपने सब कॉन्शियस माइंड से आकर के बातचीत करो, और उससे बातचीत करते वक्त किसी भी थर्ड पर्सन को अपने बीच में मत लेके आओ, क्योंकि जब थर्ड पर्सन अगर आ जाएगा तो दोनों में आपस में जो दोस्ती बन जाती है वो दरार पैदा हो जाएगी और फिर वो सॉल्यूशन जो चाहते हो आप, वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों एवं साथियों, अभी आपको मेरी इस बात को आप गांठ में डालो, अगर कभी भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेकर के, वही आपका टीचर है, वही आपका गुरु है, वही आपका गाइड है, वही आपका प्रमोटर है, वही आपका एजुकेटर है, वही आपका ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन देने वाला है, और वही आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है, और वही आपको इतना जबरदस्त मोटिवेट करेगा कि आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। इसलिए आज से अपनी डायरी में नोट कर लो, जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आए तो शाम को जाकर के अपने सबकॉन्शियसनेस माइंड से अपने छोटा या बड़ा भाई, कैसा भी उसे मान लीजिएगा, वैसे तो उसे बड़ा भाई मानिएगा, क्योंकि हमेशा हम जब
किसी समस्या में फंसते हैं तो बड़ों से सलाह लेते हैं, तो उससे अपने बड़े भाई से जाकर के शाम को सलाह लीजिएगा और उससे डिस्कशन करिए, भाई बताओ जरा यार मैं तो थक गया हूँ, तो ये बता कुछ क्या होगा इसका, तो निश्चित रूप से आपका जो बड़ा भाई सब कॉन्शियस माइंड आपकी मदद करेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। और अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी टच किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट करिएगा। मेरा चैनल है टारगेट, और उस टारगेट चैनल यूट्यूब टारगेट चैनल पर आप जाकर के सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपके अंदर कहीं भी स्लीपी आ गया है, कहीं भी आप स्लीपनेस आ रहा है आपके अंदर, तो मुझे आप कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको जगाने का काम करूंगा। अगर आप कभी भी रास्ता भटकने का आपका मन करता है, आप लगता है कि मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूं, तो मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको रास्ते पर ला करके खड़ा कर दूंगा। नमस्कार साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस एंड शेयर। थैंक्स।